रूसी सेना हमसे कहती है कि हम एक साल के बाद ही वहां से जा सकते हैं। वो हमसे युद्ध जीतने में मदद करने के लिए कह रही है। हम नहीं जानते उनकी मदद कैसे करें। अगर हम लड़ने गए तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। हमें बताया गया था कि हमें केवल मददगार के रूप में काम करना है, लेकिन उन्होंने हमें हथियार और गोला बारूद के परीक्षण के लिए भर्ती कर लिया और हमें यूक्रेन भेजने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने हमें भूखा रखा और हमारे फोन छीन लिए। हम भारत से मदद की गुहार लगाते हैं। नमस्कार, मैं हूं रसिका। आप देखना शुरू कर चुके हैं वीओ न्यूज। रूस यूक्रेन सीमा पर फंसे 7 और भारतीयों ने वीडियो जारी कर भारत लौटने के लिए सरकार से मदद मांगी है। 7 भारतीयों की पहचान गगनदीप सिंह, लवप्रीत सिंह, नारायण सिंह, गुरप्रीत सिंह, गुरप्रीत सिंह 2, हर्ष कुमार और अभिषेक कुमार के रूप में की गई है। ये 5 पंजाब के बताए जा रहे हैं, जबकि 2 हरियाणा के हैं। उनमें से एक व्यक्ति का कहना है कि पर्यटन वीजा पर वो रूस आए थे और पुलिस द्वारा पर्ची नहीं रखने के कारण उन्हें हिरासत में लेने के बाद सहायक के रूप में सेना में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया था। इन लोगों ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने उन्हें रूसी सेना में शामिल होने के लिए मजबूर किया, या तो उन्हें 10 साल की कैद का सामना करना पड़ेगा। इसी ग्रुप ने 4 मार्च को एक और वीडियो जारी किया। उसमें एक लड़का कहता है कि हमने आपको पहले भी अपनी दूरदर्शा के बारे में बताया था। यूक्रेन या रूस में कई भारतीय फंसे हुए हैं। हम भारतीय दूतावास और भारत सरकार से हमारी मदद करने का अनुरोध करते हैं। यह हमारा आखिरी वीडियो हो सकता है। वो हमें यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र में भेज रहे हैं। रूस द्वारा सुरक्षा सहायक के रूप में नियुक्त किए गए कम से कम 3 भारतीयों को रूस यूक्रेन सीमा पर देश की सेना के साथ लड़ने के लिए मजबूर किया गया था। लगभग 100 भारतीय ऐसे हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्हें पिछले 1 साल में रूसी सेना द्वारा काम पर रखा गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि कई भारतीय नागरिकों को रूसी सेना के साथ काम करने के लिए धोखा दिया गया। हमने ऐसे भारतीय नागरिकों की वापसी के लिए रूसी सरकार के साथ दृढ़ता से मामला उठाया है। साथ ही अब अन्य पड़ोसी देश के लोग जो यूक्रेन रूस युद्ध में फंसे हुए हैं, वो भारत से गुहार लगा रहे हैं कि उन्होंने अपने देश से उम्मीद छोड़ दी है, अब भारत ही कोई मदद करे। ये वीडियो नेपाल के लोगों का है जो रूस में फंसे हुए हैं। इनका कहना है, भारत बहुत पावरफुल देश है, भारत की सरकार ही हमें बचा सकती है। भारत अपने 3 नागरिकों को यहाँ से ले जा चुका है, हमें भी छुड़वाए। हम यहाँ रूस में हेल्पर के काम के लिए आए थे, लेकिन हमें युद्ध लड़वाने रख लिया गया। भारत सरकार से विनती है कि वो कृपया करके हमें रूस से बाहर निकालें।